झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दालों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ती महंगाई के बीच सप्लाई के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए तूर और उड़द दाल का इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि सरकार म्यांमार, मलावी और मोजाम्बिक से तूर और उड़द का इंपोर्ट करेगी। अधिसूचना के अनुसार भारत अगले 5 वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 में म्यांमार से प्राइवेट ट्रेड के जरिए 2,50,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर इंपोर्ट करेगा। वहीं मंत्रालय के मुताबिक 2022-26 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए म्यांमार से 2,50,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर का आयात किया जाएगा। मलावी से भारत अगले 5 वित्तीय वर्षों में 50,000 मीट्रिक टन तूर का इंपोर्ट करेगा। वहीं मोजाम्बिक से सरकार ने 2022-26 के दौरान प्राइवेट ट्रेड के जरिए सालाना 2,00,000 मीट्रिक टन तूर दाल इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इंपोर्ट केवल मुंबई, तूतीकुरीन, चेन्नई, कोलकाता और गुजरात के हजीरा में बंदरगाहों से ही होगा। दालों के आयात को बढ़ाने के निर्णय का उद्देश्य कीमतों को नियंत्रण में रखना और बढ़ती मांग को पूरा करना भी है। वहीं बता दें कि इनमें कुछ शर्तें हैं। बता दें इंपोर्ट केवल मुंबई, तूतीकुरीन, चेन्नई, कोलकाता और हाजिर पोर्ट से ही होगा। वहीं वैध सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जरूरी है इसके लिए। वहीं आयातकों को इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। वहीं इससे पहले सोमवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि प्रमुख आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की स्थिति की सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है और समय समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी और दालों पर शेष सहित कई सप्लाई साइड के उपाय महंगाई को कम करने और ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं ताकि आम आदमी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।